गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल। आपके इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और लेक्चर प्रस्तुत है। यह लेक्चर कंजक्शंस और उसके हिंदी मीनिंग से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस हैं जिनका हिंदी मीनिंग मिलना मुश्किल होता है, उन सबके मीनिंग का संग्रह किया गया है। इसमें हम इसी को देखेंगे और एक छोटा सा लेक्चर होगा। देखिए, पहला है एट। एट की हिंदी दो है, तो भी और अभी तक। तो भी की एक इंग्लिश है, इसको बोलते हैं नेबर्दलेस। नेबर्दलेस, नेबर्दलेस का मतलब हो जाएगा तो भी। तो कह सकते हैं कि एट और नेबर्दलेस सिनोनिम है, लेकिन एट की एक और हिंदी है अभी तक, इसे भी ध्यान रखना है। नॉर की हिंदी न, नहीं। स्टील की हिंदी आप जानते हैं, फिर भी, अभी तक, दो हिंदी है इसकी। ई एल एस सी को कितने लोग इल्स पढ़ते हैं, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन है एल्स। तो एल्स की हिंदी है अन्यथा। इवन दो, ई वी ईन को बहुत से लोग इवन पढ़ते हैं, जबकि इसे पढ़ना चाहिए हमें इवन। इवन दो और इवन इफ, दोनों की हिंदी एक ही है और वह है यद्यपि, भले ही। इवन की हिंदी क्या है? इवन की हिंदी है यहाँ तक की। इवन की हिंदी यहाँ तक की। और एल ई एस टी को बहुत से लोग लिस्ट पढ़ते हैं, जबकि इसे पढ़ना चाहिए हमें लिस्ट। तो लिस्ट की हिंदी है नहीं तो, ऐसा ना हो कि। नाउ दैट की हिंदी होती है चूंकि, अब। तो एक स्लाइड हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ है। इन दैट, इन दैट भी एक कंजक्शन है, इसकी हिंदी होती है के कारण से। इन दैट की हिंदी के कारण से। सीइंग दैट, सीइंग दैट की दो हिंदी, जबकि देखा जाए तो, दोनों है, जबकि भी होता है और देखा जाए तो। आपकी मर्जी कुछ भी कर दीजिए, या सेंटेंस में जो होगा सेंटेंस उसके अनुसार देखकर किसी एक का प्रयोग करते हैं। इन एज मच एज, यह इसकी हिंदी है यद्यपि क्योंकि। इन एज मच एज को बोलते का हिंदी है यद्यपि क्योंकि। फिर हार्डली, स्केर्सली, देखिए इसको स्कार्सली पढ़ते हैं बहुत से लोग, वेरेज इट इज स्केर्सली, इसलिए मैं इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया। हाँ, तो हार्डली स्केर्सली की हिंदी होती है शायद ही, मुश्किल से। हाउएवर की हिंदी दो है, तो भी, फिर भी। प्रोवाइडेड की हिंदी है बशर्ते। एज इफ और एज दो, दोनों की हिंदी एक जो होती है मानो। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस, उन सब का जो डिफिकल्ट थे उनका प्रोनाउंसिएशन भी देखा और उन सब का हिंदी मीनिंग भी देखा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको एक बार दो बार जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।